ये जो मौके आते हैं ना शबे बारात के, शबे कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं, या अल्लाह क्या करे कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से दो रखते पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर देगा। उन लोगों की बातों पे ना जाएं जो बिला वजह परेशान करते हैं, लोगों को शबे बरात का हवाला भी नहीं मिल रहा, हालांकि तिर्मिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, सियासिता की रवायत है तिर्मिजी में, तो पहले कहते हैं सियासिता से दिखाओ, जब सियासिता से मिल गई तो आप और किधर जाना है, और इब्ने माजा में मौजूद है मौला अली की रवायत, और जरा तरतीब देखिएगा, ये तिर्मिजी की हदीस है, इमाम तिर्मिजी ने तो पूरा बाब बांधा है 15वीं शाबान पर, पूरा बाब। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं बात को समझना चाहते, लेकिन मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूं, अगर हमें कोई शख्स कहता है कि शबे बरात को उठ के नफल ना पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए, हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं, ना तू हमारे और रब के दरमियान माज अल्लाह को वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे, हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा है जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया है, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात, फरमाती हैं शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नज़र डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नज़र पड़ी तो हुजूर नहीं थे, मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और जौजा की तरफ हुजूर का मिलाने तबाह हो गया हो, वहाँ तशरीफ ले गए हों। फरमाती हैं मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते मैं गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अर्ज की, हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिर्मिजी के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया शाह ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनू कल्ब का कबीला पालता था, फरमाया आज की रात बनू कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा।